हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अभी इफ्तार का टाइम हो चुका है, इफ्तार पहले कर लेते हैं। तो आज है 101 नंबर व्लॉग और आज 20 रमजान कंप्लीट हो गया और 10 बाकी है। मतलब टाइम पूरा पानी की तरह बह रहा है। आज इफ्तार आ चुका है और इफ्तारी में आज बहुत कुछ अलग है। मतलब यहाँ पे है मैंगोज, खीरा, नाशपाती, चीकू, बनाना, मौसम्बी, एप्पल और पपीता। आज इस रमज़ान का पहला मैंगो हम खाएंगे और पहला चीकू भी। रमज़ान के टाइम में इफ्तार के सामने बैठ के अल्लाह के पास दुआ मांगते हो तो कबूल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है इस टाइम पे। तो ज़्यादा करके इस टाइम दुआ करना चाहिए। तो गाइस, मैंगो और चीकू में पहले क्या खाया जाए वो मैं सोच रहा हूँ कि मैंगो पहले टेस्ट करूँ, क्योंकि दोनों ही मीठा है ना। हाँ, गुलाब खास आम है, बहुत बढ़िया है। अभी चीकू को ट्राई किया जाएगा। दोनों का मीठास में ना बहुत फर्क है, अलग ही टेस्ट है दोनों का। अभी मैं बनाने वाला हूँ खजूर मिल्क शेक। तो गाइस, कुकिंग में मैं नूप हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे है दूध, ये है चीनी, यहाँ पे है खजूर, यहाँ पे है आमंड, केले, इलायची और बर्फ। पहले दो चम्मच चीनी ऐड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि खजूर बहुत मीठा है। चीनी के साथ इलायची ऐसे करके अब डाल दीजिए दो या तीन। तो गाइस, इलायची और चीनी को पहले मैं थोड़ा पीस लिया ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके साथ 5-6 खजूर ऐड करेंगे विदाउट सीड। खजूर ऐड करने के बाद हम यूज़ करेंगे केला। केला को थोड़ा कम देना पड़ेगा क्योंकि बहुत गाढ़ा हो जाएगा और इसको खा लेना चाहिए। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा मिल्क। यहाँ पे है 1/2 लीटर मिल्क। मैंने 1/2 लीटर मिल्क से 250 ml ही ऐड किया है, पूरा नहीं ऐड किया है। और इसके साथ जाएगा बर्फ। बर्फ को करना पड़ेगा पूरा क्रश। अब इसमें डालेंगे भर भर के बर्फ। और गाइस, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया हूँ, इसमें ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। तो इसको बंद करते हैं और सीधा चलते हैं मिक्सी। अभी हमारा जो खजूर मिल्क शेक था वो रेडी हो चुका है। हम ग्लास में इसे डाल लेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा आमंड और इसको पीना पड़ेगा। तो गाइस, अभी इसको पिया जाएगा। सुपर बना है। अभी जॉय का रिएक्शन लेंगे। सच बताना कैसा है? लजीज 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 नहीं, स्वादिष्ट, पूरा लजीज। तो गाइस, खजूर का जो शरबत बनाया था या मिल्क शेक बनाया था बहुत स्वादिष्ट था। अगर आप उसमें इलायची यूज़ करने के बजाय इलायची पाउडर यूज़ करते हो तो और भी अच्छा टेस्ट एनहेंस हो जाता है। और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे मैं ब्लॉग को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, साइन ऑफ।